हेलो एवरीवन, आप सही लोगों का स्वागत करता हूँ स्टडी सर्कल में। मैं जिन सिस्टम सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रेलवे के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। रेलवे की काफ़ी भर्तियाँ हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये सब रिपीट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। ए एक साड़ी को 11 दिन में, बी 20 दिन में, सी 55 दिन में पेंट कर सकता है यदि भी स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम यानी कि कह रहे हैं कि मतलब ऑड डेज एंड सी ऑन एवरी इवन नंबर डे टिल द वर्क कंप्लीट, तो यानी कि वो कहाँ तक काम होगा। पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ए किसी कार्य को 11 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 55 दिन में। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 110, 110 ये नहीं कटेगा ना, 110 220 ले लेते हैं, ठीक है। 220 एलसीएम ले लिया, ठीक है। ये क्या कटेगा, ये जो होगा यहाँ से इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, ये क्या आएगा, 11 दूनी 22, 20 जो हो गया, ये क्या हो गया 11 एक 11 एक 11, ये क्या हो गया हमारा, ये किससे कट जाएगा, कट जाएगा ना, जैसे ऐसे लिख लेते हैं 55 दिन में कर रहा है ना, हाँ। तो ये क्या कर रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 11 दूनी 22, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। सही काटा है ना, 5 दूनी 10, 5 एकन 5, 5 एकन 5, ठीक है, 11 दूनी 22, ठीक है, हो गया। चलो अब देखो, अब इसने क्या हुआ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। इसने क्या किया है, वो ये बोल रहा है, ये जो बोल रहा है कि है ना, देखो इफ ए इज असिस्ट बाय बी, यानी कि ये बोल कर रहा है कि ए की मदद जो बी करता है एवरी ऑड डेज पे, और सी एंड सी एंड एवरी डे बाय द इवन डे पे, यानी कि ए तो साथ में ही है, यानी कि जैसे पहला दिन हो गया हमारा, ए प्लस बी काम करेंगे, यानी कि ये एक दिन हो गया, ये डे वन हो गया, तो यानी कि 11 तो कर ही रहा है, साथ में बी की क्या है हमारा, सॉरी 20 तो कर ही रहा है हमारा, 20 तो हमारा कर ही रहा है, यानी कि ए तो साथ में ही 20 और 11, तो ये क्या हो गया 20 और 11 हमारा क्या हो गया, ये हमारे कितने हो गए 31, ठीक है। अब क्या होगा, अब जो दूसरा डे आएगा, ये दूसरा डे है, ए तो साथ में चल ही रहा है यानी कि 20 तो है, सी काम करेगा, सी यानी कि ये हो गया, तो हमारा क्या करेगा 20 और प्लस 4, तो ये क्या हो गया 24, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दो दिन में हमारे पास कितना काम हो रहा है, 2 ये 5 और 3 और 2 5, 55 दिन काम हो रहा है, ठीक है, 3 और 2 4 1 5 3 2 55 दिन, ठीक है, 55 दिन काम हो रहा है दो दिन में हम कह सकते हैं क्या हो रहा है हमारा, 55 यूनिट काम हो रहा है। ये कितना यूनिट है, अब हमको कितना दिन कराना है इसको, अब हमको कितने कराना है, 220 टोटल वर्क है हमारा, तो 220 से हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसको, 220 से यानी कि इसको हम कर दे सकते हैं 8 दिन से, 8 दूनी 16, 8 पंच 40, हाँ, क्योंकि ये हो जाएगा ना 8 से 8 8 पंच 40 को सुना, 8 पंच 40, अच्छा 44, 220 नहीं होगा, ये तो ज़्यादा हो रहा है, 8 पंच 40 सुना चलिए, 8 पंच 40 44 हो जाएगा, क्योंकि 8 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, ये 12 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसको, ठीक है, 12 से मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं, ठीक। तो ये क्या हो रहा है हमारा, यहाँ से देखो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी गलती कर दी हमने यहाँ पर, ये से ये क्या कर रहा है हमारा, दो दिन में हमारा क्या हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम क्या मल्टीप्लाई करें यहाँ पर, चार का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 दिन, 8 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो 48 को सुन हासिल लगी 4, और ये क्या हो गया 48 और 4 44, मतलब क्यों मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, 8 से क्यों करेंगे हम, अरे बेवकूफ़ी वाले काम तो हम कर ही रहे हैं ना, 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना भैया, ये जो 4 से मल्टीप्लीकेशन इधर करें, 4 से 5 20, 5 20 और 2 22, तो ये हो गया हमारा सिंपल से। तो 8 दिन में क्या होगा, जो है 220 जो बार के है वो करेंगे अल्टरनेटिव। देखो ये जो क्वेश्चन इन्होंने जो पीछा है, कैसे पीछा है, ऑड इवन में कर दिया, बस इसको क्वेश्चन में उन्होंने क्या कर दिया कि ए के साथ पहले ऑड आएगा फिर इवन आएगा, इस तरीके से चलेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैं 8 से मल्टीप्लीकेशन करना है भैया, 8 से मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर दिन तो 16 आएंगे, 4 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तब मेरा 8 आंसर आएगा, 4 दूनी 8, क्योंकि उससे 8 से कर रहा हूँ क्योंकि वैल्यूज काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो ये क्या है, एक व्यक्ति ने 75,000 की धनराशि 7.5 वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष के लिए निवेशित की, तो 6 वर्ष बाद उसको मिश्रित धन क्या प्राप्त होगा। देखो
अब क्या कर रहा है उसको क्या रेट मिल रही है, रेट क्या होती है हमारी, रेट क्या होती है इसको करना है 7 दूनी 14, एक 15/2 इंटू करेंगे हम 6, तो ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 45%, 45% हो गया। ठीक है, 45% का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब देखो ये क्या हो गया इसको इजी, क्योंकि वो कैलकुलेटर नहीं करना है हमको। देखो अब क्या करेंगे, हमारे पास दो लॉजिक है, पहली बात तो ये काम करो, 45% का मतलब क्या हो गया, 9 5 45, वो पनम 45, 5 2 10, वही यही है, यानी कि 20 की जो आर्टिकल हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये 29 हुआ होगा, बिल्कुल बात है 29 हुआ होगा। यानी कि अब तो ये भी बोल सकते हैं हम लॉजिक से कि हमारे पास 20 की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, ये 75 है, एक की वैल्यू क्या होगी 75,000 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा, इसे कर लेते हैं 2 5 10, 5 से कर लेते, 0 तो हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, अब जहाँ से ये जो है 75 × 5, तो ये क्या कहेगा 5 25 की 5, ऐसे लगी 2 5 2 7 35 36 37, ठीक है 375 का इंटू करेंगे हम 29 से। अभी इसका एक और शॉर्टकट बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 9 5 45 की 5, ऐसे लगी 4 9 7 63, 63 और 4 67, 67 हासिल लगी 6 9 27, 27 और 6 हमारे क्या हो जाएंगे, 27 और 6 33 हो जाएंगे ना, हाँ 30 और 3 33। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 5 2 10 का 0 हासिल लगी 1 7 2 14, 1 15 की 5 हासिल लगी 1 3 2 6 1 7। ठीक है, 5 7 8 7 3 10, ये आ रहा है 1 0, तो हम यहाँ से लगा सकते हैं, ये तो आ गया आपका आंसर। अब देखो अब थोड़ा आप लॉजिकल भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आप लॉजिकली कैसे लगाना है हमको, लॉजिकली इस तरीके से लगाना है, देखो हमारे पास क्या है 45% की वैल्यू है, सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है 45%, लगभग हम मान लेते हैं उसको 50% ही क्या मिल रहा है, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 50% यानी कि इस राशि का आधा, 75 का आधा कर लो, 75 का आधा कर लेंगे हम, कितना कर लेंगे, लगभग मान लो, लगभग मान लो अगर 75 × 375, यानी कि ये मिलेगा हमको, और कोई भी वैल्यू, देखो ये तो हो नहीं सकती है, 75,000 की 75,000 नहीं हो सकती है, और क्या करेंगे 75 यानी कि इसकी आधी से क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे 37,000 समथिंग हो रहा होगा वो 37, क्योंकि इसका आधा के 37,000 ही होगा, 75 उससे कम, अब इसको अगर आप जी 37,500 इसमें ऐड करेंगे हम 75,000 में 5 7 में क्या हो जाएगा 0 0 5, 7 5 12 की 2 आंसर लगी 1 7 10 11, तो ये क्या हो जाएगा इससे कम, तो इससे कम तो आपका एक ही ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता ना, 11 के ऊपर तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम 50 के लगभग वाला आंसर निकाल रहे हैं, इसलिए ये आंसर होगा। ठीक है, बैंकेट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा जिसकी मरम्मत पे क्रय मूल्य से 10% के बराबर राशि खर्च की, उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेच दिया, यदि उसको 20% का लाभ हुआ, देखो 20% का लाभ क्या मतलब क्या है, 1/5, 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब क्या है, 1 2 1 2 2 5 10, यानी कि 5 की चीज को उसने क्या हुआ होगा 6 पे बेचा होगा, उसको कितने का लाभ हो रहा होगा 1 का, पर उसको 1 का लाभ ना आते हुए उसको कितने का लाभ हो रहा है 2200 रुपये का लाभ हो रहा है, बात है। ठीक है, अब देखो जब इसको 2200 का लाभ हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी कि उसने कितने की खरीदी होगी, 2200 × 5 110 होता है, 5 2 10 और 5 2 10 11, ठीक है, यानी कि कोई चीज उसने क्या हुआ होगी 11,000 की समथिंग उसने, ये क्या होगी हमारी सीपी होती है, ये सेलिंग प्राइस होती है एक तरीके से, कभी तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये हो गया। अब वो क्या कह रहा है, इस पे जो 10% की जो राशि है उस पर उसने खर्च किया, यानी कि जो 11,000 का, 11,000 का 10% क्या हो गया 1,000, 1,000 ही तो हो गया, 11,000 का सॉरी 10% हमारा क्या हो जाएगा, ये 10% हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये हो गए यहाँ से। ठीक है, तो 1,000 रुपये उसने क्या किया होगा, खर्च किया होगा 10% किसी भी राशि का, हम क्या करेंगे, क्योंकि है ना ये क्या कर रहा है यहाँ पर हमारा, ये जो है ये हमारी क्या होगी सीपी होगी, यानी कि इसमें वो भी राशि ऐड हुई होगी, वो भी राशि ऐड हुई होगी हमारा जो कि है 10% के बराबर है, जो कि उसने बोला है ना कि उसकी मरम्मत पे उसने क्या किया 10% खर्च किया है, इसलिए वो क्या आ रहा है हमारा 1,000 रुपये आ रहा है, क्योंकि है ना 2200 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करेंगे हम, ये क्या हुआ होगा उसने हमारा ये 1,000 रुपये उसका क्या हुआ होगा, इसकी जो मरम्मत पर खर्च हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि उसकी कुल तो ये क्या हो गया, क्योंकि 10% बोला कोई चीज़, यानी कि कहने का मतलब है कि पहले 10 होगी
यानी कि क्रय मूल्य का 10% के बराबर है। तो 10% की जो वैल्यू होगी यानी कि वो क्या हुआ होगी आपकी 10,000 हुई होगी, ठीक है, 10,000 यानी कि 1,000। तो 1,000 रुपये तभी तो बन के आपकी टोटल 11,000 हुई है। तो 10% जो है तो वो मतलब वो पूछना चाह रहा है कि मरम्मत पर कितना खर्च हुआ है, तो आपका क्या हुआ है आपका 1,000 रुपये खर्च हुआ है, ठीक है। दो अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें कीजिए जो 2 और 4 से दोनों से भाग। पहली बात तो क्या कर रहे थे इसको बच्चे, क्या कर रहे थे इसको क्वेश्चन को, कि 2 और 4 से कटने वाली तो देखो 12 भी है और 32 भी है, तो ऐसा नहीं है। तो वो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट, ऐसी कितनी संख्या है, ऐसी कितनी संख्या है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या लगेगा कि दो डिजिट की नंबर पहले जो 2 और 4 से डिविजल होगी तो वो क्या होगी आपकी 12, फिर क्या होगा 16, फिर डेड डेस्क करते हुए लास्ट तक हम क्या पहुंचेंगे 96 तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास क्या होता है ए फी का एक फॉर्मूला होता है a n a+n-1 और d, ठीक है। लास्ट डिजिट हमारे पास 96 है तो a के बराबर हमारे क्या 12 है क्योंकि इनका डिफरेंस क्या है 4 है, तो ये क्या हो गया n बताना है नंबर ऑफ टर्म, तो ये 4 है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे हम, सॉरी ये क्या है हमारा प्लस है यहाँ पर, प्लस मैंने गलती कर दी, ठीक है। 96 से 12 माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा 4, 84, ठीक है, 84 बचा। तो 84 को ये क्या बचा हमारे पास 84 हमारा क्या हो गया n-1 4, तो 4 से काटेंगे 4 × 8 4×1 4 और 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्यों n की वैल्यू, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 22। इस तरीके से इसका आंसर आएगा भाई साहब, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चनों पे गाइस काफी ध्यान देना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं ये वाला पहले ले नहीं, काफी मोटा चल रहा है वो, कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है। तो वो ये बोल रहा है हमारा कि एक किले में तैनात 1200 सैनिक के लिए 28 दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध होती है। 4 दिन बाद कुछ सैनिक किले से चले गए जिससे उपलब्ध भोजन सामग्री 32 दिन तक चली, यानी कि 4 सैनिक चले गए यहाँ से, वो 4 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए, यानी कि कहने का मतलब है कि जो 1200 व्यक्तियों का जो खाना था, 1200 व्यक्तियों का जो खाना था वो क्या था हमारा, ये था हमारा 24 दिन के लिए मान लो, क्योंकि 4 दिन तो चले गए हमारा 24 दिन के लिए, ठीक है। तो 24 दिन के लिए ये खाना हमारे पास था, ठीक है। अब ये क्या, ये जो खाना चला है वो हमारा क्या चला है, वो क्या चला है हमारा 32 दिन तक बढ़ गया है, क्योंकि ये है ना सैनिक की संख्या यहाँ पर कुछ कम होगी होगी, यानी कि कहने का मतलब ये क्या है 32 दिन तक चला है। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक काम तो ऐसे कर लेते हैं इसको, जरा एक मिनट देखो, एक काम कर लेते हैं सिंपल से ही कर लेते हैं पहले तो हम, देखो ये क्या हो रहा है 1200 जो खान 1200 जो सैनिक थे 4 दिन बाद चले गए, यानी कि अब हमारे पास कितने बजे 24 दिन के लिए खाना है, इसमें से हमको क्या करना है कुछ सैनिक चले गए हैं ये पूछ रहा है, उस चले वाले संख्याओं की संख्या कितने सैनिक छोड़ के गए जो कि यह खाना इतने तक चल रहा है। तो ये काम करते हैं 38 24 8 4 32, ठीक है, 4 से काट लेते हैं तो ये क्या हो गया 4 × 12 900, ठीक है 900, और ये क्या हो गया हमारा 1200 है, 1200 एक्स है, तो देखो एक्स इधर तक चले जाएगा, अगर माना कि 1200 घटा देंगे तो माइनस का आएगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो ये आएगा 300, तो ये क्या हो गया हमारा 300, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू हमारी आ गई 300, ठीक है, ये है। अब देखो इसके लिए एक और लॉजिक भी लगता है कि जो 1200 जो दिनों का जो खाना चल रहा है, जो हमारा जो 1200 खाना चल रहा है वो 24 दिन के लिए, तो ये जो डेज है 24 दिन है, तो अब क्या चल रहा है, पहले मतलब 1200 आदमी का खाना 24 मतलब 1200 आदमी जो सैनिक हैं वो 24 दिन तक चलते हैं, अब हमारा क्या हो गया 32 हो गया है, ठीक है, क्योंकि खाना, क्योंकि सैनिकों की संख्या यहाँ पर कभी ना कभी तो कमी हुई होगी, यानी कि इसको काट लेते हैं, देखो 38 24 8 4 32। तो जब डेज का ये जो रेशो है, ये डेज का रेशो है ना ये डेज का, तो अब क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। क्यों 4/3 हो जाएगा, क्योंकि डेज है और उसके ही रेसिप्रोकल में चलेगा इसके नंबर ऑफ सैनिक जो वहां पर है। तो कहने का मतलब है 4 की वैल्यू क्या है आपके पास 1200 है, 4 की वैल्यू 1200 है, 4 × 12 एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 300 ये हो जाएगा। या तो आप ये कह सकते हैं, या तो ये भी कह सकते हैं, देखो आप ये कह सकते हैं यहां से,
यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये 4 और ये क्या हो गया है? हमारा 1200 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 1200 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 तीया 12, और 3 यूनिट की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू 300 से है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 900। और 1200 और 900 का डिफरेंस क्या हुआ, 300 सेने की तो हमारे कम हुए। और वैसे भी इसको आप लॉजिक से ये भी सकते हो कि 4 से 3 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहीं से कम हो रही है ना, तो 1 यूनिट के बराबर की वैल्यू हम यहाँ पर 300 भी कर सकते हैं, तभी हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ 300 आ जाता, ये भी कर सकते हैं। यानी कि पहले ये 900, इस तरीके से देखो कहानी वही बनी, कहानी ये वही की वही बनी, ऐसा कोई इसमें वो भी नहीं है कि देखो यही चीज़ हो रही है, 900 में से 12 घटा रहे हैं यहाँ पर है, तो वो क्या थोड़ा और ईजी हो जाता, और कुछ नहीं है, ठीक है। दो संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम एचसीएफ से धमाके से सवाल आते जा रहे हैं। एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दिया है, ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। यदि पहली संख्या को, ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, मतलब एक्स और वाई मान सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यदि पहली संख्या को यानी कि एलसीएम आपने मान लिया, ये मान लिया, ये जो संख्या है, यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया है तो भागफल क्या हो जाएगा, 60 आएगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट ही तो हो गया, इन दोनों का प्रोडक्ट 60 दूनी 120 क्या होगा, यही तो होता है। यदि पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है कोई संख्या है हमारी एक्स है, उसको अगर 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल क्या हो रहा है, 60। तो ये क्या होता है, इनका प्रोडक्ट होता है 60 दूनी 120 प्लस 0 है, कुछ भी है, तो एक्स की बराबर हमारे पास क्या हो गई, वो गई, यानी कि एक नंबर हमारे पास आ गया, तो हमको दूसरी संख्या निकालना तो बहुत ही आसान है, 60 इंटू 420 बराबर क्या हो गया, 120 इंटू क्या हो गया भाई, तो ये क्या हो गया, 60 दूनी 120, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, तो भाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 210, ईजी, ठीक है। ऐसा इस ये लॉजिक समझ में आया ना, कि दूसरे ये कैसे किया, पहली संख्या हमने मान ली कि प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर होता है, दो है, एक पहली संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 60 आता है, अपनी हमारे पे ये है, तो ये क्या होता है, एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट होता है 2 इंटू 60, जो रिमाइंडर आता है उसको ऐड कर देते हैं, जहाँ पे 0 है, तो पहली संख्या हमारे पास आ गई 120, तो 120, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है, इजी है, ठीक है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो 16, 24, 36, 54 से विभाजित करने पर क्रमश 12, 20, 32 और 50 शेष बचता हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, न्यूनतम लीस्ट नंबर पूछा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे अच्छी आइडिया ये है कि जैसे हमारे पास क्या हुआ, 16, 24, 36 और 54, ठीक है, 16 से हमको क्या बनेगा रिमाइंडर, हमारे पास 12 बचता है, 20 बचता है, और ये क्या बचता है हमारे पास, 32 बचता है, और ये क्या बचता है, 50, ठीक है। देखो कभी भी रिमाइंडर कब बचेगा, यानी कि ये संख्या यहाँ से क्या हो जाएगी, जब माइनस हो जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, वो शेष बचेगा, यानी कि वो परफेक्टली डिविजिबल होगी जब चीज़ माइनस है। चलो हम एक नंबर ले लेते हैं, यहाँ पर 36 को ले लिया हमने, ठीक है, 36 को ले लिया, 36 को लेने से क्या फ़ायदा हुआ हमारे पास, 36 को लेने से ये फ़ायदा हुआ कि ये जो नंबर है कहीं ना कहीं 9 से कटेगी, 9 चौक 36 होते हैं 9 से, तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि जो कौन सी संख्या है जो 32 माइनस करने पर, क्योंकि शेष तो ये है, अगर हम 32 माइनस करने पर ये संख्या जो 9 से डिविजुअल होना चाहिए, क्योंकि 90 डिविजुअल रूल अच्छा है, देखो ना इसको है ना, देखो यहाँ से क्या करेंगे, 432 में से चलो ये तो 32 माइनस कर लिया तो 400 है, तो ये 9 से डिविजुअल है नहीं, यानी कि पहला ऑप्शन तो यही गलत हो गया हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया, इसको नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा नंबर में ये देखते हैं, दूसरे नंबर को भी देख लेते हैं, चलो दूसरे नंबर में क्या करेंगे, 444 में से 32 माइनस करेंगे तो 2, 1 और 4, तो देखो 9 से डिविजल आने के लिए हमको क्या करना है, सम 9 होना चाहिए, तो 4 और 2, 6, 1, 7, तो ये भी नहीं होगा, चलो ये ऑप्शन गलत हो गया। 428 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 12 में से 3 गई तो 9, और ये तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये 3, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 3, 396, देखो इसका सम क्या हो रहा है, 6 और 3, 9 और 9, यानी कि ये संख्या क्या हो जाएगी, परफेक्टली 9 से डिविजुअल होगी, तो आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। और इसको देख लें, 452 में से भी 32 माइनस करेंगे तो 0, 2 और क्या बचेगा हमारा, 420, तो ये भी नहीं हो रहा, 4 और 2, 6 ही हो रहे हैं, नहीं कटेगा ये भी 9 से, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आंसर करना, वरना आप इसको प्रोसेस से जाओगे काफ़ी ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, ऐसे ही निकालना है, क्योंकि है ना कोई भी नंबर जब भी डिविजुअल होगा, अगर उसमें एक रिमाइंडर दिया तो वो चीज़ माइनस कर देंगे ना हम,
तभी तो वो परफेक्टली डिविजुअल होगा। और हमने देख लिया नाइन के नाइन का रूल हमने यहाँ पे लगा लिया कि नाइन से जरूर डिविजुअल होगी वो, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 2 to the power 8 आर इवन नंबर, इवन नंबर है यानी कि 2 to the power हमने क्या ले लिया, एक तरीके से 1 होगा यहाँ पर, 2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 की पावर क्या हुआ 7 हुआ, ये तो वैसे ही रहेगा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 और 7 की पावर हमारा 5 रहेगा, ठीक है। इवन नंबर तो देखो 7 होता है तो हमारा 8 लिख देते हैं, 2 होता है तो 3 होता है, एक एक ऐड कर देते हैं 4 और 5 होता है तो 6, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करके देख लो 6 × 24 38 24 24 का स्क्वायर 576, यही आंसर आएगा 576, ठीक है। ये काफी अच्छा आरआरबी जेई में क्वेश्चन आया, काफी सुपर क्वेश्चन है, इससे बच्चों ने काफी गलती की है, ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ये आया हुआ है। देखो एक टंकी को 9 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है, ए हमारे समझ सकते हैं 9 घंटे में भर रहा है, लेकिन रिसाव के कारण 1 घंटा अधिक लगता है, उसमें एक छेद है उसके कारण उसको क्या लग रहा है 1 घंटा अधिक लग रहा है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो रिसाव के कारण कितने समय में खाली हो जाएगी, ठीक है। हमने मान लिया कि ये एक और है, एक और बी मान लिया, रिसाव को बी मान लिया, ये 990 क्यों कर दिया, ये 9 है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, यानी कि 10 है, हमने क्या लिया एलसीएम लिया 90, तो ये 10 में कर रहा होगा, ये 9 में कर रहा होगा, ये क्या कर रहा है हमारा, तभी तो आ रहा है नेगेटिव कर रहे। अगर ये 10 है तो बी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव आ रहा है ना, तभी तो वो शो कर रहा है, ये यहाँ पर है ना, बी की वैल्यू हमारी क्या आ रही है 1 है, ठीक है। और ये बोला है रिसाव, यानी कि ये जो नेगेटिव कार्य कर रहा है यही गद्दार है हमारे बीच को, इसको यही काम करवाना है 1 की इसकी इफिशियंसी, तो ये क्या हो जाएगा 90 आवर्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है गाइस, इसको बहुत ध्यान से देखना, आपको करके देखना ये कैसे किया है, यानी कि दोनों जब काम करते हैं 1 घंटा ज्यादा ले रहे हैं, तो ये क्या हुआ ए की इफिशियंसी तो 9 है, ये हमने हमारा बी मान लिया, तो ये क्या हो गया बी, इसकी इफिशियंसी की जो नेगेटिव कार्य कर रहा है ये जो है, ये जो है हमारे पास, ये क्या कर रहा है हमारे पास, ये 9 है ना, ये 10 है हमारे पास, तभी तो नेगेटिव आई है ये, देखो एक मिनट सॉरी, ये क्या हुआ ए की वैल्यू हमारे पास 10 है और बी की वैल्यू हमारे पास बी रख लेते हो, ये 9 है, 9 में से माइनस 10 करेंगे 10 इस तरफ जाएगा, तो बी की वैल्यू तभी तो माइनस की बन आ रही है, तो नेगेटिव ही कार है, उसमें बोला भी है रिसाव के कारण, इसी की जो एफिशिएंसी इसको कब से खाली हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो ये काम करेगा, इसकी एफिशिएंसी कुछ भी आई इसको डिवाइड कर देना है आपको, इसमें बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कब आता बहुत जरूरी है, ठीक है। वो कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 10,000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 5% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या 10,800 हो जाती है, यानी कि पहले तो 10,000 थी, ठीक है, अब क्या होगी हमारी 10,800, यानी कि जो बढ़ गई है, यानी कि महिला और पुरुष के मिला के 800 बढ़ गई है, ठीक है। तो वो पूछना चाह रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या में से, यानी कि इसमें से महिलाएं कितनी है, ठीक है। देखो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये जो है, देखो जो है हम लिख लेते हैं यहाँ पर मेल लिख लेते हैं और फीमेल लिख लेते हैं, ठीक है। मेल जो है पुरुषों की जनसंख्या में 5% और फीमेल में क्या हो रहा है 10%, तो एक काम करता हूँ मैं इसको 10% को 5+5 लिख लेता हूँ, क्योंकि मेल जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कॉमन है, ये कहीं ना कहीं तो ये कॉमन है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है 5 और 5 क्या हो रहा है 10 हो गया मेरा, यानी कि 5% ये जो है 5% तो मेरा कॉमन है, ये ठीक है कॉमन है, यानी कि क्या हुआ मेरा, ये क्या हुआ मेरा 5% कॉमन है, ठीक है। मैं जानना हूं कि है ना ये जो संख्या है इसमें से 5% की कितनी वैल्यू आएगी, 5% की अगर मैं इससे बोलूं कि ये जो मेरी संख्या है इसमें, तो मेरी 5% की 10,000 में से कितनी वैल्यू आएगी, 10,000 का अगर मैं 5% निकालूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, मेरे पास एक जीरो और आएगी, तो मेरे पास क्या आएगी 2 जीरो कट जाएंगी ना मेरे पास, अरे 3 जीरो है ना, ये है ना ये 3 जीरो, ठीक है, दो जीरो रहेगी, तो मेरे पास क्या आएगी 5% 500 होता है, 500 हो गया। अब ये मेरे पास टोटल ये क्या बढ़ी थी मेरे पास 500 + 300, ठीक है 500 + 300 हो गई। अब मेरे पास जो 300 जो बढ़ रही है, ये जो बढ़ रही है ये महिलाओं की तो बढ़ रही है एक्स्ट्रा, ये जो बढ़ रही है मेरे पास, ये जो 5% है वो किसके बराबर है, ये महिलाओं की बराबरी तो है, ये जो है मेरे पास क्या हो रहा है 5% है, ये जो 5% की वैल्यू मेरे पास क्या दी है 300 दी है, 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 × 30 जीरो, अगर मैं 100 की वैल्यू निकालूं 100 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास फीमेल आ जाएंगी,
ये आएंगी 6000। समझो क्वेश्चन को, लॉजिकली क्वेश्चन है, काफी नहीं है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कॉमन निकाल के कर रहे हैं कि 5% है भैया, इसका 5% है मेरा, 10000 का 5%, 10000 का मैं 5% मैं निकालूंगा तो मेरा क्या निकलेगा। पहली बात तो आप ये समझो कि 500 निकल गया, ठीक है, मेरा 500 और निकल गया। अब क्या हुआ, यानी 5% 5% दोनों कॉमन था, 800 बढ़ा था, 800 बढ़ा था, तो इसमें क्या हुआ 500 300 800, तो यानी 500 तो ये हो गया कॉमन। जो 300 है, 300 किसके बराबर, जो बचा हुआ उसी की वैल्यू तो है, तो 300 की वैल्यू मतलब 5% की वैल्यू 300 के बराबर। हमको 100% निकालना होता है, चाहता तो मैं 20 का भी मल्टीप्लिकेशन कर देता तब भी आसान होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वीडियो काफी लंबी तो नहीं हो रही, एक मिनट गाइस। आरपीएफ एसआई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 75% वैध वोटों के साथ जीता, ठीक है, वैध वोटों के साथ, बैलेट वोटों के साथ, ठीक है, 56,000 वोटों से में से 15% वोट क्या थे, अवैध थे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 56,000 वोट है हमारे पास, 1 2 3 4, 15% वोट हमारे पास क्या हुआ है, अवैध है, यानी कि क्या बचे होंगे 85 का मतलब क्या हुआ, 17 × 85 ऐसे ले सकते हैं, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये 5 × 10 17/20, ठीक है, 17/20, तो ये क्या हो गया 17/20। अब क्या बोल रहा है, और वो 75% के साथ जीता है, तो 75% का मतलब क्या हो गया हमारा, 75% का मतलब हो गया 25 × 75 25 × 100, ठीक है, तो उम्मीदवार को वैध मत कितने मिले, यानी कि उसको टोटल वोट कितने मिले। अब इसको कैलकुलेट करना है। अब देखो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक और चीज भी है, देखो एक और चीज है, एक तो लॉजिक यही लग रहा है उसमें कि जो भी आंसर होगा वो 17 का मल्टीप्लिकेशन होगा। पहली बात तो 17 × 34 ये नहीं है, 17 × 34 ये तो है ही नहीं, ठीक है, 17 × 34 17 × 1 = 17, और ये भी नहीं है, ये आ रहा है 17 × 34 17 × 1 = 17, एक तो लॉजिक ये हो गया। दूसरा ये है कि आप डीएस निकाल सकते हो, डीएस क्या निकालना है, देखो आपको ये जीरो से ये तो जीरो, कोई जीरो का कोई सेंस ही नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर अपन ये कर लेते हैं, तो ये 5 कर लेते हैं, इनटू में 5 कर लेते हैं, और ऊपर क्या होगा, ये भी ये 4 है, तो हम क्या 25 कर लेते हैं। अब हम देखो इसको लिख लेते हैं, 56 × 5 × 25 × 17 × 3, ठीक है, 6 × 5 = 11, यानी कि 2 × 5 = 10, 1 बचा, ओ सॉरी 25 × 50, सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं है, 7 कर लेते हैं, 5 × 7 हो गया, और ये 8 × 3 हो गया, ठीक है, 5 × 10 1 × 7 ये और ये, ठीक है, 38 = 24 यानी कि 6, और ये क्या हो गया 7 × 7 = 42, 42 यानी कि 6 हो रहा होगा इसका डिजिटल सम, 6 हो रहा है क्या, 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15, 15 यानी कि 6, यही आंसर हो रहा है, ठीक है, ऐसे करना है। आप क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कैलकुलेशन ही लगानी है, उस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं, एक उम्मीदवार को 75% वोट मिले, भैया 75% इसको मिले और 56,000 वोटों के साथ जीता, बस उसने ये बोले कि 75% अवैध थे, तो उनको अवैध को हटा देते हैं हम, कोई भी चीज़ 100% होती है, तो हमने क्या किया 85/100 कर दिया, और ये क्या था 75% वैध थे, तो 3/4 कर दिया उसको, ऐसे किया, बल्कि कैलकुलेशन है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, वो बोल रहा है कि समीकरण में P तथा Q में 2 का अंतर है, तो R का मान लिखने से क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता। देखो ये बोल रहा है कि जैसे हमने क्या किया, ये सबका एडिशन दिया है 5P9, ठीक है, 3Q5 6R3, इसके बराबर हमको क्या दिया हुआ है, इसके बराबर हमको क्या दिया हुआ है, हमको 7 4 5 और ये 1, ठीक है, 1 भी मान लेते हैं, क्योंकि इनका सबका एडिशन है, ठीक है, ये 1 है हमारा, ठीक है, 1 दिया है। देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, 9 9 5 14 3 17, 17 × 7 हासिल लगी 1, ठीक है, कोई भी नंबर है यहाँ पर क्या हुआ है, कैरी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी होगा वो 14 हो सकता है, 14 होने के साथ यहाँ पर भी कोई एक कैरी आएगी, तभी तो वो 15 होगा, वहां पर 14 होगा तभी तो ये संख्या क्या हो गया, तभी यहाँ पर एक एसी पर कैरी चढ़ेगी, तभी तो ये संख्या हमारे पास 15 है। अब देखो, अब उसने एक बात और बोली है कि पी
तथा Q का अंतर दो है, P तथा Q का अंतर क्या है हमारा दो है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम कैसे नंबर ले सकते हैं कि P और Q में क्या हुआ होगा हमारा दो का अंतर आ रहा होगा। तो जब यहां पर ये क्या बन जाए हमारा 14 बन जाए, आपको समझ रहे हो यहां पर क्या हो रहा होगा 14 बन जाए हमारा, तभी तो आएगा कैरी एक बनेगी तभी तो हमारा वहां पर जाएगा। तो देखो 14 बनाने के लिए हमारे पास क्या हो रहा है और यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि हम सबको ऐड करेंगे P प्लस क्यू प्लस आर प्लस वन बराबर हमारा क्या हो जाएगा 14 होगा, क्योंकि एक कैरी हो रहा है, तो यानी कि हमारा क्या होगा P प्लस क्यू प्लस आर बराबर जो है 13 हो जाए। 13 कैसे हो सकता है, और उनका डिफरेंस भी उन्होंने बोला है कि हमारे पास क्या होना चाहिए दो का होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर ले लिया हमने सात और पाँच 12, तो 12 और यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 3 होगी, सीधी सी बात है 3 होगी, तभी तो 13 हो जाएगी, तभी तो क्योंकि 13 होना है, वो तो यहाँ पर तो इक्विवेलेंट 13 ही है, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ना है क्योंकि टोटल तो हमको 13 चाहिए ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है हमारे पास और कौन सा वैल्यू आप बना सकते हो, ठीक है, 13 के साथ हम बना सकते हैं पी और क्यू में दो का अंतर, पी और क्यू में दो का अंतर और समीशन करने पर हमारा क्या हुआ है वो है 5 और 7 हो गया, और क्या बना सकते हैं 4 और 2 6, ठीक है, देखो एक कह सकते हैं 6 और 4 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 2 का डिफरेंस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10, तो 10 और 3 13 ही होगा, यहाँ पर सीधी सी बात है, ये भी तो 2 आ रहा है, 2 का डिफरेंस हो रहा है 6 और 4 10 10 और 3 13, ठीक है, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम 5 और 3 ले लेते हैं 5 और 3 8 और ये 5 है। तो आप ये भी देख रहे हो कि जो भी वैल्यू आ रही है हमारी क्या हो रही है, वो ऑड नंबर आ रही है, ऑड नंबर आ रही है, यानी कि ये इवन पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या हो गया ये नहीं हो सकता, तो वो 4 नहीं हो सकता यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या हो रहा है बन आएगा, 7 और 5 12 होते हैं ना, तो 1 13 हो जाएगा ना, फिर 7 और 5 सबका एडिशन तो 13 ही होना चाहिए, 7 और 5 12 1 13, 6 और 4 10 13 5 और 3 8 5 13, तो जो भी नंबर आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है ऑड आ रहा है, ऑड, ठीक है, इवन नंबर नहीं आ रहा, तो इवन नंबर यहाँ से क्या होगा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एक ही जी वाला लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काफी बड़ा वीडियो हो गया, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम, इसमें से क्या घटाया जाए कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये तो काफी आसान है, देखो 311 * मैं क्या कर रहा हूँ 312 को क्या लिख रहा हूँ 311 + 12 यानी कि 1, ठीक है, मैंने ये नंबर लिख लिया, तो इसका ये क्या बनेगा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका प्रोडक्ट है, ये जो प्लस है यानी कि अब ये यही तो एक्स्ट्रा आ रहा है 311, इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ आपको होगा, तो ये क्या करना पड़ेगा हमको माइनस करना पड़ेगा कि जो क्या घटाया जाए कि जो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये 311 ही हमको क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ, आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको घर से लिख लें, देखो वैसे कराई देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या बोला है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सेंटीमीटर दैट मे बी एडेड आइदर द रेडियस टू द हाइट ऑफ टू गेट द सेम इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr²h, यहाँ पर क्या था πr²h, ठीक है। वो ये बोल रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर ऊंची है, 4 सेंटीमीटर है, तदनुसार बेलन की त्रिज्या ऊंचाई में कितने प्रतिशत जोड़ा, कितने सेंटीमीटर जोड़ा जाए कि उस वक्त बेलन का आयतन उतनी ही वृद्धि होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया, जैसे हमने क्या किया यहाँ पर पाई है, हमने क्या लिया पाई में क्या लिया 10 + x ले लिया, आर रेडियस हमने क्या किया इंक्रीज कर लिया, हाइट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, अब क्या किया पाई में क्या किया हमने, ये तो क्या हुआ हमारा 10 ही है, 10² ही है, तो इनटू में क्या हुआ, अब इसमें हमने क्या किया हाइट में हमने क्या किया ऐड कर दिया, हाइट में ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने क्या किया हाइट में हमने क्या किया, क्योंकि तभी तो वो इक्वल हो पाएंगे, तो यहाँ पर क्या किया हमने हाइट में हमने क्या किया h + 4 + x कर दिया, ये हो गया हमारा, तभी तो इक्वल हो पाएंगे वो, कि क्या जोड़ा जाए कि हाइट और रेडियस उतनी वृद्धि हो,
उनके आयतनों में उतनी ही वृद्धि हो, पाई से पाई से कट गया तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 22ab, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, चलो यहाँ पर अभी हम मल्टीप्लाई बाय 4 भी कर देते हैं, तो ये ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 400, तो ये क्या बचेगा 4x स्क्वायर, और ये क्या होएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा 100, और इंटू ये क्या हो जाएगा 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, ये 400 प्लस 100x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर 80x। अब अपन काट लेते हैं 400 से 400, तो यही कट गया, ये सबसे बड़ी बात है, 80 में से इधर पे घटा लो, ये क्या बचा हमारा 20x बचा, x से x घटा, 4 की वह 5, तो x की वैल्यू वो 5 होगी, रखने पर वो उतनी ही वृद्धि की जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक, आशा करता हूँ आपको एक सवाल पसंद आए होंगे, मेरा सॉल्यूशन थोड़ी लिखने की लैंग्वेज आपको जरूर पसंद नहीं आ रही होगी, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पे यही रास्ते हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन से आप अपने ट्राई कर लें, लिखने से क्या आपको बस समझ में आना चाहिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।